Hello everyone, fourth class. Today I will explain new chapter 8, reaching grandmother's house. In this chapter we will continue Umana's journey. So let's start. After our long train journey we reached Kottayam in the night. Umana अपनी जर्नी का एक्सप्लेन कर रही थी. आपको पता है काफ़ी लंबी ट्रेन की यात्रा के बाद हम कोट्टायाम पहुँचे रात को. विलायमा'स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक टू ऑटो रिक्शास टू गेट देयर. विलायमा'स का जो घर था वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए हमें दो ऑटो रिक्शा लेने पड़े वहाँ पर पहुँचने के लिए. बाय देन आई वॉज़ वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा नींद में थे, यानी उन्हें बहुत नींद आ रही थी. एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग, और कुछ भी खाने के लिए वेट नहीं कर सकते थे. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट, मैंने नहाया और सो गया. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me again. मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैं सोया सोने के लिए लेटा तभी अम्मा ने मुझे फिर से जगा दिया. We got ready, took our luggage. हम फिर से मैं तैयार हुए, अपना सामान लिया and went to bus stand, और बस की स्टेशन के लिए चले गए. विलायमा'स फैमिली ऑल्सो केम विद अस. विलायमा की जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, वो भी हमारे साथ आए. वी वर 10 पीपल, हम 10 लोग थे. एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास बहुत सारा सामान भी था. अब जब उन्होंने 10 लोग थे तो ज़्यादा लोग थे तो उनके पास ज़्यादा सामान भी था, ठीक है. नाउ द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल. बस कंडक्टर आए और उन्होंने अप्पा ने उनसे सबके लिए टिकट खरीद लिए. हम सबके लिए टिकट खरीद लिए. वी मैनेज टू गेट सीट. इट इज वेंट अलोंग. द बस गॉट वेरी क्राउडेड. हमने अपने लिए सीट को अरेंज किया, मैनेज किया. एज इट वेंट अलोंग, जैसे ही थोड़ी दूर चली बस, बस जो है फिर से क्राउडेड मतलब होता है बहुत भर गई. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग अपनी सीट्स को शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट, और हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप. काफ़ी लंबी जर्नी के चलने के बाद बस जो है बहुत आखिरी वाले स्टॉप तक पहुँच गई. I was happy to get off, और मैं उतरने के बाद बहुत खुश था. My legs were stiff, मेरे जो पाँव थे वो बहुत थक गए थे, स्टिफ हो गए थे. I could hardly stand, और मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था. I thought that we had finally reached Anuma's village. मैंने सोचा कि हम फाइनली अपने अमुमास के हाउस में पहुंच गए हैं. बट नो, पर ऐसा नहीं था. आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट, हमारी यात्रा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी. द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, और बस ने हमें एक पानी की किनारे पर पहुंचा दिया था. लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, अम्मा ने एक वाटर वाली जगह की ओर खाते हुए कहा. दैट इज़ वेयर वर वी हैव टू गो, वह जगह है जहाँ पर हमें जाना है. बट नाउ वी विल वी गेट देयर, बट हाउ विल वी गेट देयर, बट हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे. आई वंडर्ड, मैं बहुत सरप्राइज्ड था कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे. जस्ट देन आई सॉ बोट कमिंग, तभी मैंने वहाँ पर एक नाव को, बोट मतलब पानी में चलने वाली नाव को, आते हुए देखा. देयर इज़ द फेरी, वो क्या थी,
एक बोट थी जो फेरी, मतलब जो पैसेंजर को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम करते हैं। अम्मा सैड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। अम्मा ने कहा तभी अचानक से बहुत भीड़ जो लोगों की थी वो उतरना शुरू हो गई। स्कूल चिल्ड्रेन मैन वमेन ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे, आदमी, औरतें और अपने पूरे सामान के साथ दिखाई देने लगे। ठीक है, अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने एक्सप्लेन किया कि जो फेरी है वो लोग एक पानी को क्रॉस करने के, पानी वाले रास्ते को, पानी वाटर को क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी, धीरे धीरे जो बोट थी वो खाली होने लगी। अ बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, और हमारी तरफ से यानी चढ़ने वाले लोगों की तरफ से फिर से भीड़, रश जो है जमा हो गया, भीड़ फिर से जमा हो गई। एवरी वन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, और लोग जो है बस फेरी में चढ़ने से पहले अपना अपना किराया पे कर रहे थे। थैंक्स फॉर टुडे।